सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। गुरूर में इंसान को कभी इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। बहुत आसान होता है कोई उदाहरण पेश करना, बहुत कठिन होता है खुद कोई उदाहरण बनना। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो नए नए सवाल खड़े हो जाएंगे। आज का पंचांग 13 अप्रैल 2020, दिन सोमवार, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, शाम 4:18 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मूल नामक नक्षत्र शाम 7:02 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 7:20 से 8:55 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:36 से 12:26 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रात्रि 8:30 तक रहेंगे। इसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेंगे। आप सभी को बैसाखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कुंभ राशि 13 अप्रैल 2020, दिन सोमवार। आप अभी दुश्मनों से घिरा हुआ महसूस कर सकते हैं। कड़ी मेहनत आपको भीड़ से अलग बनाएगी। अपने काम पर ध्यान दें और छोटे विवादों को अनदेखा करें। दुर्घटनाओं और चोटों से बचने के लिए सड़क पर ख्याल रखें। आपके अधीनस्थ आपसे प्रेरित हो सकते हैं। अपने दोस्तों से फोन पर बातें भी कर सकते हैं। लक्ष्य को अपनी नजरों से ओझल ना होने दें और फालतू बातों से बचें, क्योंकि इससे किसी को ठेस लग सकती है। आज आपकी ऊर्जा थोड़ी कम हो सकती है, किंतु इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भाग्य आपके साथ है। आपसे सामंजस्य से परिवार में स्थितियां अनुकूल रहने वाली है। घर परिवार के लोगों के साथ आपसी तालमेल बेहतर होने से विकास देखे जा सकते हैं तथा किसी भी महत्वपूर्ण कामों में घर परिवार के लोगों का सहयोग देखने को मिल सकता है। आज आपको कुछ चीजों का चयन करना पड़ सकता है। समझदारी से चुनाव करें क्योंकि यह आपकी सफलता को प्रभावित करेगा। कुछ अचानक बदलने की योजना बनेगी या सूचना मिलेगी, आपके लिए नए अवसर सामने होगा। परिवार और सामाजिक स्थिति अच्छी रहेगी। कुछ अच्छे मौके भी मिलेंगे। निर्णय लेने से पहले गहराई से विचार करें। सावधानियां, लाभ प्रसिद्धि और पहचान तीनों बहुत जल्दी ही आपको मिलने वाली हैं। ऐसे में शांत रहकर लड़ाई झगड़े से दूर रहें। कभी कभी बोलने से चुप रहना बेहतर होता है। दूसरों से सहायता चाहना समय की मांग है, इसमें शर्म ना करें। लव लाइफ की बात करें तो दुश्मन में विवाद आपकी चिंता का कारण बन सकती है, लेकिन आपकी लव लाइफ आपको निराश नहीं करेगी। प्यार के इन पलों में आपको ऐसा लगेगा जैसे आप सातवें आसमान पर हैं। मेहनत का फल मिलेगा, किंतु किसी विश्वसनीय व्यक्ति से धोखा मिल सकता है। आप अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए उत्साहित हैं। आज आप लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे अपने विचारों को बांटेंगे और लोगों के भले के लिए काम करेंगे। अपने मन में छुपी हर बात को अपने साथी से बांटें। करियर की बात करें तो अपनी मेहनत और अलौकिक शक्ति का सही प्रयोग करके आप धन और भौतिक सुरक्षा के मामलों में समृद्ध होंगे। दिनचर्या में बदलाव करके आप अपनी कर्तव्य का भली भांति से पालन कर सकते हैं। धन संबंधित जोखिम से बचें क्योंकि ऋण लेना आपके लिए हानिकारक होगा। इस चरण में पुराने मित्रों की कंपनी आपको आकर्षित कर सकती है। दृढ़ रहें, अपने ध्यान को केंद्रित करें और इसे आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं।
आपकी ऊर्जा में कमी आ सकती, इसीलिए स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सफलता आपके पास नहीं आएगी, आपको उस तक जाना पड़ेगा। सेहत की बात करें तो आज आपको अनुभव होगा कि आप व्यायाम करने में खुद को सक्षम महसूस नहीं कर पा रही हैं। आपको आज व्यायाम करने की जरूरत है, जिससे आपको अच्छा लगना शुरू हो जाए। आज का उपाय, आज आप शंकर भगवान जी की आराधना करें और उन्हें फूल चढ़ाएं, उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।